इंडिया के इस सेक्टर की बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी कामयाबी है। इंडिया जो कि एक डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्ट के लिए जाने जाने वाला देश था, अब लगातार डिफेंस इक्विपमेंट के एक्सपोर्ट को यानी कि निर्यात को लेकर लगातार तेजी से बढ़ोतरी कर रहा है। इंडिया ने इस साल 21,000 करोड़ के डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट किए। इंडिया जो है वो काफी पैसा डिफेंस पे लगा रहा है। अब तो इंडिया अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाता नजर आ रहा है, और ना सिर्फ बनाता बल्कि एक्सपोर्ट 80 से ज्यादा कंट्रीज को एक्सपोर्ट करता नजर आ रहा है। माशी मसाइल के हवाले से गुफ्तगू करते हुए वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि उनके ख्याल में पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। ये जो नरेंद्र मोदी, इसको मैं तो गुजरात का कसाई कहती हूँ, आम अल्फाज में गुजरात का कसाब, गुजरात का कसाई। पाकिस्तान में क्या उस तरीके से एक्सपोर्ट होती नजर आ रही है डिफेंस इक्विपमेंट्स की? कितने कंट्रीज को पाकिस्तान डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रही? नरेंद्र मोदी दोनों हाथों से दौलत समेटने में मसरूफ है, जंगी जुनून में मुब्तला है नरेंद्र मोदी, हथियारों के हसूल पर भी बेतहाशा पैसा लुटाता है ये। की न्यूज के मुताबिक मैं आपको बताता जाऊं कि हमारे पड़ोसी में लोग इंडिया ने विजन दिया कि 2024-2025 तक उनका जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो तकरीबन 21,000 करोड़ से तजावुज कर जाएगा। मोदी ने अपने दोस्त पर नवाजशात की बारिश कर दी, उसके असर और सूख के बायस कह लें कि मुल्की और गैर मुल्की मालियाती इदारे अडानी की कंपनियों को भारी कर्जे देने लगे, और यूं अडानी को अपना कारोबार फैलाने का जो सुनहरी मौका है वो मिल गया, और देखते ही देखते वो हवाई अड्डों बंदरगाहों का मालिक बन गया। अगर डिफेंस के बजट की हम बात करें, डिफेंस की बात करें, तो क्या हम अपने डिफेंस के आलात बाहर एक्सपोर्ट करते हैं? इंडिया ने 21,000 करोड़ रुपया सिर्फ एक साल के अंदर कमाया है, मतलब इतना उन्होंने पैसा कमा लिया वेपन से। अभी तो उनके पास कितनी चीज़ें पड़ी हुई हैं, अभी वो यानी कि ट्रेन एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, मैं रिसेंटली न्यूज़ सुन रहा था। उसके बाद यानी कि उन्होंने और भी यानी कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बनाई हैं। IT सेक्टर में देखें कि इंडिया यानी कि IT के जो उनके लड़के हैं, जो लड़कियाँ वो काम कर रहे हैं, वो रेवेन्यू इतना जनरेट कर रहे हैं, पूरी दुनिया की सबसे ज़्यादा जो यानी वो मार्केट की नज़र वो इंडिया की मार्केट के ऊपर है, कि इंडिया यानी कि इस टाइप के लोग प्रोवाइड कर रहा है, सोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है, कि इंडिया को जारी सी मदद वो तरक्की कर रहे हैं। और भाई की बात बिल्कुल गलत है कि हम लोग यानी कि वो अपनी जगह पे कर रहे हैं, गलत बात नहीं है, मतलब ये पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा, पाकिस्तान बिल्कुल जो पॉलिटिकल जो सिचुएशंस है पाकिस्तान के अंदर, इनकी वजह से पाकिस्तान का डाउनफॉल जा रहा है। इंडिया को मोदी ने कहा था कि वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान के साथ जंग की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान अपनी मौत आप मरेगा, बिल्कुल इस तरह के जब मोदी ने बयान दिया था हमारे जो दिल थे बड़े यानी कि जख्मी हुए थे, हमें बड़ी तकलीफ हुई थी, लेकिन आज उसकी जो बातें हैं वो कहीं किसी हद तक हमें सच भी लगने लगी है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो मुल्क के हालात जा रहे हैं आपके सामने, पेट्रोल अभी पता चला कि 8 रुपया महंगा हो गया, मतलब पेट्रोल इस टाइम 290 रुपए से ऊपर जा चुका हुआ, ये आज के दिन की बात है। तो किस तरह यहाँ पे लोग सरवाइव कर रहे हैं, लोग बिलीव करें, मैं कल एक मुझे लड़का मिला वो ऊबर चलाता, वो कहता है भाई साहब मेरे इतने हालात मुश्किल हो चुके हुए हैं कि मेरे घर के मैं ऊबर से जो कमाता हूँ उससे खाली मेरा पेट्रोल ही निकलता है, मेरे घर के खर्चे नहीं निकलते, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, उनके खर्चे नहीं निकलते। कामरान, अभी ये एक सेक्टर है, अभी ये डिफेंस वेपन्स का सेक्टर है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर है, जिससे इंडिया ने 21,000 करोड़ जो है अर्न किया है एक्सपोर्ट करके। इसके अलावा IT देख लें, उनके मेरा ख्याल है टेक्सटाइल इंडस्ट्री देख लें, इंडिया अब हर चीज़ ना सिर्फ अपने मुल्क में बना रहा है बल्कि एक्सपोर्ट भी कर रहा है। और इसके साथ एक और बहुत बड़ी न्यूज़ सामने आई है कि इंडियन नेवी ने आज ही ब्रह्मोस का सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी जो है सक्सेसफुली लॉन्च किया है। बिल्कुल, मैं तो पर हैरान हूँ, वैसे इंडिया ये मिसाइल भी लॉन्च कर रहा है, हम भी अपना दफाई बजट बनाते हैं, हम भी अपने दफा के ऊपर तकरीबन पाकिस्तान का 80% जो बजट है वो हम लोग लगाते हैं किसके ऊपर, डिफेंस के ऊपर, लेकिन हमें उस डिफेंस का फायदा क्या जब हमारे मुल्क के अंदर लोग ही खुशहाल नहीं है। और अब आप ये देखें कि हम भी अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा डिफेंस पर लगाते हैं, लेकिन आप ये देखें कि हमारे मुल्क में अभी पिछले कुछ दिनों में कितने अटैक्स हो चुके हैं, मतलब हम कहते हैं कि हमारी पाकिस्तान की जो आर्मी है दुनिया की नंबर वन आर्मी है, नो डाउट हम अपनी आर्मी की बहुत इज्जत करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आप ये देखें कि पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान पर किन किन ममालिक की जानिब से अटैक हुए हैं, हमें मुँह की खानी पड़ रही है। हर्जने का पर्पस है कि आज की न्यूज़ के मुताबिक मैं आपको बताता जाऊँ कि हमारे पड़ोसी में लोग इंडिया ने विजन दिया कि 2024-2025 तक उनका जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो तकरीबन 21,000 करोड़ से तजावुज कर जाएगा। अगर डिफेंस के बजट की हम बात करें, डिफेंस की बात करें, तो क्या हम अपने डिफेंस के आलात बाहर एक्सपोर्ट करते या नहीं करते? अगर कोई अपने डिफेंस के जो सामान हथियार हैं जो बाहर एक्सपोर्ट करे तो उसको मुल्क को क्या बेनिफिट्स होते हैं? पहले तो ये बात है कि अगर कंपेयर करना है तो बंदा इस तरह करे कि दो कंट्रीज़ के एक जैसे, मतलब जो कंट्रीज़ वगैरह, क्योंकि अगर हम देख रहे हैं इंडिया वाले हमसे भी बहुत ज़्यादा है, चाहे वो जिस आगे हैं, मतलब एक्सपोर्ट में हो, इम्पोर्ट में, बाकी उनकी इकानमी नहीं है, उनकी काफ़ी ज़्यादा वो है, हमसे ज़्यादा स्ट्रांग है। बाकी जहाँ तक एक्सपोर्ट की बात है डिफेंस की, वो करनी चाहिए और जितनी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जब एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो तब क्या होगा, हमारी जो रिवेन्यू होगी वो
डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो भी बढ़ेगी। और इसी तरह ये नहीं हमारी इकानमी पे वो असर डालेगी, और ये ज़रूरी है किसी मुल्क को स्टेबलाइज करने के लिए, उसकी इकानमी को सही तरह चलाने के लिए, उसमें ये ज़रूरी है कि एक्सपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। क्या कहेंगे कि वो अभी से नहीं भाई, जब से नरेंद्र मोदी उनके प्राइम मिनिस्टर आए हैं उन्होंने मेक इन इंडिया पर काम किया, हमारे पास कोई एक भी लॉयल प्राइम मिनिस्टर आया हमारी हिस्ट्री में अभी तक? क्या कहेंगे कि क्या अगर आया होता तो आज हम भी टक्कर ना दे रहे होते बांग्लादेश को, इंडिया को, हमारी इकोनॉमी भी? बातें होती थी कि भाई अगर बात करें 70-80s की दहाई के अंदर कि पाकिस्तान जो है वो एशियन टाइगर बनेगा, क्या हम टाइगर बने यहाँ पर तो हमें भीगी बिल्ली बना दिया? ये वो अपने मुल्क के साथ मुखलिस हैं, हम मुखलिस नहीं हैं, सिंपली। क्यों? वो उनकी सारी कोशिश, सारी तगोदो ये है कि अपने मुल्क के लोगों को उठाया जाए, और हमारे जो हुक्मरान है खैर से, इनकी सारी कोशिश है कि अपने आप को जो है ना वो डेवलप किया जाए, ये फ़र्क है। That's it. क्या कहेंगे कि यही करते रहे, यही करते हुए आ रहे हैं, इतना सब कुछ हमने चेंज होते हुए देखा, अपने हाथ सामने अपना एक जो शारक थी उसको भी जाते हुए देखी, 71 में बांग्लादेश अलग हो गया, उससे भी हमने सीखे, क्या करना क्या चाह रहे हैं आगे? आप शायद थोड़ा रिकॉर्ड को दुरुस्त करें, कई मुल्क ऐसे हैं कि जिनकी एयरलाइंस, जिनकी मुईशत, जिनको पुलिस का निज़ाम हमने दिया, आर्मी हमने सेट की, उनके मुल्कों की दहशतगर्दी हमने ख़त्म की, उनकी मुईशत को हमने बेहतर किया, लेकिन हम बेहतर नहीं हो सके क्योंकि उनको हमने जिस ट्रैक पे लगाया वो लग गए, वो मुखलिस थे अपने मुल्क के साथ, वो तरक्की कर गए, उनके लोग उठ गए। हम तो बुनियादी तालीम से महरूम हैं, हमें तालीम दी ही नहीं गई, इसलिए कि हम बाशऊर ना हो जाएं। क्या जिस तरह से इंडिया अपना डिफेंस एक्सपोर्ट करते हुए जा रहा है, फ्यूचर में कहाँ देखते हैं आप? वो तो चाइना को बीट कर रहा है, वो तो बता रहे हैं कि 2028, 2048, 2047 का विजन है उनका कि उन्होंने एशियन टाइगर बनना और चाइना को बीट करके दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत बनना। मेरा ख्याल है आप को ये रियलाइज करना चाहिए कि वो बीट कर चुके हैं चाइना को, वो जितनी तेजी से वो जा रहे हैं ऊपर, वो बीट कर चुके हैं। सही बात है। दुनिया में सबसे ज्यादा अरबपति लोग जो हैं वो इंडिया में बसते हैं। पर अभी इंडिया के हवाले से ये 21,000 करोड़ की सिर्फ डिफेंस इक्विपमेंट्स की उन्होंने एक्सपोर्ट की है एक साल में, सिर्फ एक फील्ड की बात कर रहा हूँ, बाकी आईटी को छोड़ें, बाकी मतलब आप एग्रीकल्चर को छोड़ें, बाकी फील्ड को छोड़ें, 21,000 करोड़ की। क्या कहना चाहेंगे, इतनी ज्यादा वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और 80 से ज्यादा कंट्रीज को वो अपने वो डिफेंस इक्विपमेंट्स दे रहे हैं, क्या वजह है? इकट्ठे ही हम स्टार्ट हमने किया, हमने भी यहाँ पे डिफेंस पे काफी बजट लगाते हैं, हम तो कहते हैं कि डिफेंस हमारा बड़ा जबरदस्त है, हम क्यों नहीं खुद मैन्युफैक्चरिंग कर पाते और फिर उसे एक्सपोर्ट कर पाते उस तरीके से, उस लेवल पे? जब सबसे पहले जब तक हम अपने मुल्क से करप्शन नहीं खत्म करेंगे ना, तो हम तरक्की नहीं कर सकते। ठीक है, देखिए हमें खुद भी ऑनेस्ट होना चाहिए, ठीक है, आगे से भी हमें ऑनेस्टी से काम करना चाहिए, ठीक है। और देखें वो कौमें तरक्की करती हैं, वो कौमें कामयाब होती हैं जो मेहनत करती हैं और ईमानदारी से वो मेहनत करती हैं, ठीक है? अब आप इंडिया को तो छोड़ें, आप अफगानिस्तान को देख लें, वो अभी 4 दिन हुए, अभी वो आज़ाद हुआ है, कितना अच्छा हुआ है। अब पाकिस्तानी रुपीस देख लें और अफगानिस्तान का पैसा देख लें, वो कितना कंपैरिजन हो गया, ठीक है, डॉलर के मुकाबले क्या है? ओनेस्टी और ईमानदारी से वो काम कर रहे हैं।